हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आरती कुमारी माइक्रोबायोलॉजी लेक्चरर सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड मैं अब मुझे आगे भी आपके सपोर्ट की नीड है सो कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ सो so, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बताया था थोड़ा ब्रीफ किया था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के, के बारे में एंड uh, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं इनके लिए सो so, ओके okay, आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे सो so, हम शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है तो इंट्रोडक्शन पार्ट से हम शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है क्या होता है स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं सो so, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उन सब के सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं अब मेटाबॉलिज्म है क्या बेसिकली तो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है और ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी कैसे अराइज़ होता है तो हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो सेल्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे अराइज़ होता है इमर्जेंट प्रॉपर्टी जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं अब मेटाबॉलिज्म के टाइप्स क्या होते हैं तो मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के होते हैं कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म अब बेसिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में तो बस इतना याद रखिएगा कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन होता है सो बेसिकली कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होता है सो so, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आ, हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में एंड जब वो सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज़ होते हैं मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कैटाबॉलिज्म क्या होता है सो so, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में एंड उनके ब्रेक डाउन से एनर्जी भी रिलीज होती है नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है तो एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है एनाबॉलिज्म में एंड ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैसे सिंथेसाइज होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं सो so जो सिंपलर वॉन्स होते हैं जो हमारे जैसे हमने पढ़ा ना कि सिंपलर कंपाउंड्स में वो रिलीज हो वो ब्रेक डाउन होते हैं तो जो सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं वो मिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में यानी कि सिंपलर कंपाउंड्स जब मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है एनर्जी की नीड होती है एनाबॉलिज्म में सो बेसिकली हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर मॉलिक्यूल सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी रिलीज होती है जबकि एनाबोलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है जो सिंपलर कंपाउंड्स है वो आ, मिलके फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड इनके फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की नीड होती है एनर्जी कंज्यूम होता है इस प्रोसेस में कैटाबॉलिज़म में रिलीज एनाबोलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होता है ओके okay, अब कैटाबॉलिज्म को हम सेपरेटली पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म है क्या तो एक सेट ऑफ़ मेटाबॉलिक प्रोसेस है एंड ये सेट ऑफ़ मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है एंड ये इनका पर्पस क्या होता है कैटाबॉलिज्म के पर्पस क्या होते हैं तो बेसिकली दो पर्पस होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस के पहला पर्पस होता है एनर्जी प्रोवाइड करना पहला पर्पस होता है एनर्जी प्रोवाइड करना दूसरा पर्पस होता है इनके कि एनाबॉलिक रिएक्शन में कंपोनेंट्स की अगर नीड है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस से क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है वो जो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो सिंपलर कम्पाउंड में ब्रेक डाउन होते हैं उन सिंपलर कम्पाउ अगर एनाबॉलिज्म रिएक्शन में सिंपलर कंपाउंड की नीड है तो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन से सिंपलर कंपाउंड्स उनको मिल जाते हैं तो दो पर्पस होते हैं कैटाबॉलिज्म के फर्स्ट होता है कि अगर एनर्जी की नीड है तो यानी एनर्जी प्रोवाइड करना और दूसरा सिंपलर कंपाउंड्स प्रोवाइड करना एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए ये दो फंक्शंस होते हैं कैटाबॉलिज्म के अब एनाबॉलिज्म क्या होता है तो एनाबॉलिज्म एक सेट ऑफ़ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन हो रहा है सिंथेसिस हो रहा है इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं सो बेसिकली एनाबॉलिज्म सेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी क्या होती है यहाँ पे जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए एनाबॉलिज्म में सो so, वापस से मैं रिपीट करूँगी क्या होता है एनाबॉलिज्म एक सेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे एनाबॉलिज्म के प्रोसेस के द्वारा रिलीज़ किए गए एनर्जी का और एनाबॉलिज्म के प्रोसेस के द्वारा रिलीज़ किए गए जो हमारे सिंपलर मॉलिक्यूल्स है उनका इस्तेमाल सिम्पलर कॉम्प्लेक्स है उनका इस्तेमाल किया सिंपलर कंपाउंड से उनका इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए अब एनाबॉलिज्म में थ्री बेसिक स्टेजेस होते हैं तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं एनाबॉलिज्म रिएक्शन में तो फर्स्ट होता है हमारा प्रिकर्सर स्टेज प्रिकर्सर स्टेज क्या होता है इसको प्रिकर्सर स्टेज हम क्यों कहते हैं तो इसमें ना जो हमारे रिएक्शंस होते हैं यानी कि एनाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए जो जो प्रीकर्सर चाहिए उनका प्रोडक्शन होता है फर्स्ट स्टेज में सो फर्स्ट स्टेज को हम कहते है, precursors. Precursors हैं द प्रोडक्शन ऑफ प्रिकर्सर्स अब प्रिकर्सर्स होते कौन कौन से हैं तो जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया मोनोसेक्यराइड्स हो गया न्यूक्लियोटाइड्स हो गया ये सारे प्रिकर्सर्स हैं सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है प्रीकर्सर यानी प्रोडक्शन होता है प्रिकर्सर का सेकेंड स्टेज क्या होता है एक्टिवेशन होता है इनका अब कैसे एक्टिवेशन होता है देयर एक्टिवेशन इन टू रिएक्टिव फॉर्म्स यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ए टी पी हमें पता है कि कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होते हैं एनर्जी रिलीज होते हैं एटीपी के फॉर्म में एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं तो इनको एनर्जी पैकेट भी कहते हैं सो so, क्या होता है कि यहाँ पे एक्टिवेशन होता है रिएक्ट यहाँ पे सेकेंड uh, स्टेज में क्या होता है देयर एक्टिवेशन इन टू रिएक्टिव फॉर्म्स ये रिएक्टिव फॉर्म्स पे इनका एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन के लिए ए टी पी का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जो थर्ड प्रोसेस होता है इनका वो होता है असेंबली का अब हमने हमारे पास प्रिकर्सर्स जो हमारे प्रिकर्सर्स है वो प्रोड्यूस हो गए एनर्जी एक्टिवेशन हो गया तो अब जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया तो ये मॉलिक्यूल असेंबल होते हैं आपस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए सो थर्ड स्टेज में क्या होता है असेंबली होती है इन प्रिकर्सर्स की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जैसे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हो गए प्रोटीन्स में पॉलीसेक्यूराइडस में लिपिड्स में न्यूक्लिक एसिड्स में इन सब में ये असेंबल हो जाते हैं एंड देन इनका इस्तेमाल हमारी बॉडी में आपको पता ही है इनके अलग अलग फंक्शंस है पॉलीसेक्राइड्स के प्रोटीन्स के लिपिड्स के न्यूक्लिक एसिड्स के इनके फिर अलग अलग फंक्शंस है जो इनके रोल है जो ये परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को सो so, हमने पढ़ा एनाबॉलिज़्म के हमने पढ़े कि इनके थ्री बेसिक स्टेजेस होते हैं एनाबॉलिज्म में थ्री बेसिक स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ प्रिकर्सर सेकेंड इज एक्टिवेशन इन टू रिएक्टिव फॉर्म्स यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ए टी पी थर्ड इज असेंबली ऑफ़ दिस प्रकर्सर एंड ये असेंबल होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जैसे कि प्रोटीन्स पॉलिसक्राइड्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा ओके अब हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कैसा हो रहा है मेटाबॉलिज्म का होल साइकिल है ये सो हम ये देखते हैं क्या हो रहा है जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाजमिक मेम्ब्रेन वॉल राइबोसोम्स यानी हमारे सेल्स के जो भी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनका जब कैटाबॉलिज्म होता है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि माइनो एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन सब में ये सॉरी माइनो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा इन सब में ये कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं अब जब ये कैटाबॉलिज्म जो हमारे हमने पढ़ा ना कि साइटोप्लाज्मिक में में जैसे सेल सेल्वोर राइबोसोम्स वगैरह हो गए जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो उनका जब ब्रेकडाउन होता है जब उनका कैटाबॉलिज्म होता है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जैसे कि एसिड्स न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो इन कन्वर्जन के यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जैसा कि आप चेक कर पाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हीट रिलीज़ हो रहा है इन ब्रेकडाउन में कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रहा है एंड साथ ही साथ जो वेस्ट है वो भी रिलीज हो रहा है अब ये जो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं और हम इसको प्रिकर्सर्स भी कह सकते हैं सो so, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है और प्रिकर्सर्स है वो सारे मिलके आपस में ये और एनर्जी इसमें और एड ऑन हो जाएगा तो ये मिल के फॉर्म करेंगे एनाबॉलिज्म के प्रोसेस को तो एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है अगेन ये जो स्मॉल हमारे जो हमारे ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ये सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स प्लस जो ए यानी एनर्जी रिलीज हुआ है इस प्रोसेस में वो एनर्जी यहाँ पे वापस से मिलके ये फॉर्म करते हैं हमारे एनाबॉलिज्म के प्रोसेस को एंड एनाबॉलिज्म में फिर फॉर्म होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जैसे कि हमने पढ़ा प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स में फिर ये फॉर्म हो जाते हैं एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है हमें एनर्जी की नीड होती है कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है एनर्जी रिलीज़ होती है ओके सो नेक्स्ट है मेटाबॉलिक पाथवेज मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होता है तो एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो शुरू होता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से और ये एंड होता है एक एंड प्रोडक्ट पे। बेसिकली क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे को शुरू करने के लिए कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हमें चाहिए एंड जब ये पाथवे कंप्लीट होता है एंड होता है तो कोई एक पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट हमें एक प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा एंड में ठीक है और जितने भी स्टेप होते हैं इस मेटाबॉलिक पाथवे को पाथवे की वो कैटेलाइज किए जाते हैं स्पेसिफिक इंसाइन से अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी कैटेलाइज़ करने का मतलब क्या होता है सो बेसिकली कैटालिसिस का मतलब होता है जो भी रिएक्शंस है उनके रेट को फास्ट करना रेट ऑफ़ रिएक्शंस को फास्ट करना एंड रेट ऑफ़ रिएक्शन को फास्ट करने में रोल प्ले करते हैं इंसाइन सो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इनिशियल स्टेज में चाहिए होता है जो फाइनल स्टेज में एंड में जाते जाते एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें रिसीव होता है एंड जो हर एक स्टेप है हर एक स्टेप को कैटेलाइज करते हैं स्पेसिफिक इंसाइन मतलब हर एक स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक इंसाइन सपोज हम अगर एग्जाम्पल में देखें तो सपोज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ए है A एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है अब रिएक्शन वन में एक इंसाइम आएंगे जो इस रिएक्शन को और फास्ट करेंगे और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे देन बी जो है उसमें एक और इंसाइम आएंगे और उसको रिएक्शन को और फास्ट करके सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे देन सी में क्या होगा कि वापस से रिएक्शन शुरू होगा थर्ड इंसाइम एड ऑन होंगे जो उसको डी एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे जो हमें डी so एज एक, एक फाइनल प्रोडक्ट रिसीव होगा सो ए एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से हमें डी एक फाइनल प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है और हर स्टेप में आप देखेंगे रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इंसाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ओके नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म को हम इस वीडियो इस वाले स्लाइड में अच्छे से पढ़ते हैं होता क्या है तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि हमें किसी भी रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए शुरू करने के लिए हमें आप हाँ देख सकते हैं एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल चाहिए सो so, सपोज कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है एंड इंसाइन यहाँ पे रोल प्ले करेंगे इस रिएक्शन को रेट ऑफ़ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एंड कार्बोहाइड्रेट से ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो शुरू होगा ये कन्वर्ट होंगे ग्लूकोस में ग्लूकोज देन फर्दर ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होते हैं ए यानी कि एनर्जी पैकेट रिसीव होती है पायरवेट में प्रोटीन्स जो है हमारे वो ब्रेक डाउन होके वो कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में जो हमारे प्रोटीन है उनका मेटाबॉलिज्म जब शुरू होगा तो वो कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड्स में यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड देन अमाइनो एसिड हमारा कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में और अमाइनो एसिड्स दोबारा एसिड्स का जो ब्रेकडाउन होगा वो दो प्रोडक्ट में होगा एक पायरोवेट फॉर्म करेंगे दूसरा एसिटाइल कोसाइन ए पायरोवेट भी ब्रेकडाउन होकर एसिटाइल कोसाइम ए फॉर्म करते हैं देन एसिटाइल कोसाइम ए का मेटाबॉलिज्म होता है वो एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच टू में एंड देन जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है प्रोटीन्स के या कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से मिलेगा हमें सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ हाइड्रोजन प्लस ए टी पी यानी कि एनर्जी सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड ए टी पी हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो है उनका ब्रेकडाउन होता है फ्री फैटी एसिड्स में फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं एसी को इन्जाइमी में देन एन ए डी एच और एफ टू एंड देन इनका भी एंड प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ए जो कि एनर्जी है सो so ये स्टेजेस है मेटाबॉलिज्म के स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज थर्ड थे ये हमने जो पढ़ा स्टेज वन पे हमारे एक एंड हमारे जो एक हमें आ, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल चाहिए सो स्टेज वन पे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स थे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड फाइनल स्टेज पे हमें एक प्रोडक्ट मिला जैसे कि हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे हमें इनके प्रोडक्ट में क्या रिसीव हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव हुआ वाटर रिसीव हुआ एनर्जी रिसीव हुई इस एनर्जी को दिन फरदर हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको किसी भी लेक्चर वीडियो की मेरी किसी भी लेक्चर वीडियो में आपको नीड है किसी भी तरीके की नोट्स की या पी, -पी की प्लीज़ आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करिए मैं आपको वो नोट्स पी, -पी प्रोवाइड करूंगी एंड येस इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट नो चार्जेस सो बस आप लोग चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए शेयर करते रहिए कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपके सपोर्ट के लिए अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल